रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। नितिन अग्रवाल की जीत और सपा की हार के जानिए क्या है मायने। वैसे तो बीजेपी का नारा सबका साथ और सबका विश्वास है, लेकिन जातीय गुलदस्ता को तैयार करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी की कोशिश है कि इस गुलदस्ते में एंटी सपा और एंटी बसपा वोट एक साथ आ जाए। या तो मुस्लिम, कुछ ओबीसी और कुछ अगड़े अगर सपा की ओर गए तो बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। यही कारण है कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नितिन अग्रवाल को आगे किया और जीत दिलाई। वैसे तो प्रदेश में दूसरी प्रमुख जातियों की तुलना में वैसे समुदाय की आबादी कम है, लेकिन अपनी आर्थिक ताकत के कारण इनकी जरूरत हर पार्टी को रहती है। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल को डिप्यूटी स्पीकर पद के लिए चुना गया। नितिन को बीजेपी की तरफ से समर्थन मिला था। नए उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर कहा है। योगी ने कहा, सपा सहित पूरा विपक्षी अंत विरोधों से ग्रस्त है। समाजवाद की विरोधी समाजवादी पार्टी के लिए उनका परिवार ही पार्टी है, लेकिन बीजेपी के लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। समय सबको समझा देता है। वर्ष 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का काम करेगा। आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम इस बात को साबित करता है। उपाध्यक्ष चुनाव में नितिन अग्रवाल की जीत के बाद सदन को संबोधित करते हुए योगी ने विपक्षी दलों पर तगड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव तक में समाजवादी पार्टी विपक्ष को एकजुट ना कर सकी। इन्हें इस चुनाव का परिणाम भी पता है और 2022 के चुनाव परिणाम की जानकारी है। जो रिजल्ट आज आया है, यही एक बार फिर 2022 में भी आएगा। यूपी में ओवैसी को गले लगाएंगे अखिलेश यादव, कितना नफा कितना नुकसान। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों की नजर विभिन्न धर्मों और जातियों के वोट बैंक पर है। हैदराबाद और बिहार समेत कुछ राज्यों में अपनी धमक दिखा चुके ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार यूपी की धरती पर ताल ठोक रहे हैं, धड़ाधड़ चुनावी सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। ओवैसी का साफ कहना है कि वह बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ पहले ही भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है। गाजियाबाद के मंसूरी में रविवार को हुई एक सभा में ओवैसी ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव की तरफ दोस्ती का पासा फेंका है। ओवैसी ने कहा, यूपी में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन से बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। बीजेपी को हराने के लिए ए से जेड कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। महंगे ईंधन को लेकर भाजपा के चुनावी नारों पर शिवसेना बोली, आज कोई नहीं बोल रहा पेट्रोल सस्ता चाहिए कि नहीं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के दल शिवसेना ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, पेट्रोल डीजल की दरों में आए दिन होने वाली वृद्धि और उससे लगी महंगाई की आग ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। देखते ही देखते पेट्रोल डीजल की दरों ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है और ईंधन में लगातार होने वाली दर वृद्धि के कारण माल ढुलाई खर्च के सहज ही बढ़ने से सभी क्षेत्रों में महंगाई अपने हाथ पांव पसार रही है। बीते 3 सप्ताह में तो लगभग 16 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। लगातार होने वाली दर वृद्धि के कारण देश की जनता परेशान हो गई है। युवाओं को रोजगार देने के लिए दिल्ली सरकार करेगी रोजगार 2.0 ऐप लॉन्च। पिछले साल रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च करने के बाद अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका उद्देश्य भारत में युवाओं के लिए एंट्री लेवल जॉब्स खोजना होगा। पिछले साल शुरू किया गया रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली में कुशल श्रमिकों की तलाश कर रहे युवाओं और छोटे व्यवसायियों की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक उपयोगी मंच बन गया। ऐसे में इसके दूसरे संस्करण की इंतजार युवाओं को बेसब्री से है। प्रियंका गांधी यूपी के इस सीट से लड़ सकती है चुनाव। लखनऊ में बना रही मुख्यालय
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी प्रभावी महासचिव प्रियंका गांधी वाडा उठा दिए हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच गई हैं, जहां पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मोना समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। शनिवार को कार्य समिति की बैठक में प्रियंका गांधी ने निर्णय सुनाया कि वे अपना मुख्यालय अब लखनऊ ले जा रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति का खाका पेश करते हुए प्रियंका ने कहा कि वे चुनाव होने तक प्रदेश में ही रहेंगी। इस दौरान हर हफ्ते 5 जिलों को कवर करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं। वे पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी विधानसभा में सत्ता व विपक्ष में जमकर चले शब्दबाढ़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया करारा जवाब। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर सोमवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शब्दबाढ़ चले। उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी नितिन अग्रवाल की भारी जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए मुख्य विपक्षी दल सपा को चेताया कि इस जीत से 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। यह भी कहा कि उपाध्यक्ष चुनाव में हार तय होने के बावजूद नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाकर सपा ने उन्हें धोखा दिया है। नवनिर्वाचित विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल को बधाई देने के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला भी बोला, ये कहते हुए कि हम 4.5 साल विपक्ष का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो हमने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नितिन अग्रवाल के रूप में एक युवा चेहरे को आगे किया जो अनुभवी भी है। 2022 विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी में अपनी जड़े जमाने में जुटी खेमाबंदी की कोशिश। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। बड़े दल तो सक्रिय हैं ही, छोटे दल भी हरकत में आ चुके हैं। इन्हीं में विकासशील इंसान पार्टी भी शामिल है। पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़े जमाने में जुटे हैं। पहले समान विचारधारा के दलों के साथ समझौते की कोशिश की गई, हालांकि ये प्रयास अब भी जारी है। फिर भी दल अपने स्तर से आगे की जमीन तलाशने में जुटा है, खासकर निषादों को अपने खेमे में लाने की हर कोशिश की जा रही है। बीजेपी को मजबूत करने की कमान महिलाओं के हाथ में। 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी जिलों में पहुंचेगी महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी व सदस्यता पर जोर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा पूरी मजबूती से अपने पदाधिकारियों को मैदान में उतार रही है। भाजपा से लोगों को जोड़ने की कमान महिलाओं के हाथ में है। इसके लिए 22 अक्टूबर से महिला मोर्चा की टीम प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रवेश करेगी। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुँचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। राज्यसभा सदस्य व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्या के नेतृत्व में महिला मोर्चा के सदस्य 3 दिनों तक अलग अलग जिलों में प्रवेश करेंगी और फिर मोर्चा की पदाधिकारी लोगों के बीच जाकर बैठक व सभा करेंगी। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। सभी राजनीतिक दल कई जगहों पर सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सत्ताधारी भाजपा एक बार फिर से यूपी में अपना परचम लहराएगी या फिर जीत का झंडा फहराएंगे अखिलेश यादव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं, यूपी में कौन अपनी सरकार बना सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सबसे पहले बीजेपी की, तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 217 सीटें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है 137 सीटें। बसपा को मिल रही है यहाँ पर 33 सीटें। बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 11 सीटें, वहीं अन्य के हिस्से में आ रही है 5 सीटें। चुनाव के महज अब कुछ ही दिन बचे हैं, क्या लग रहा है आपको कि यूपी में किसका राज होगा, कौन बैठेगा जीत की कुर्सी पर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन सकती है, अखिलेश यादव की या फिर योगी आदित्यनाथ की, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। और ऐसे ही ताजा चुनाव की अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।